हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। आज है भाई हैप्पी दिवाली का त्यौहार। सो मेरी और मेरी मम्मा की तरफ से आप सबको, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। सो करते हैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। सो देखते हैं आज का क्या एक्सपीरियंस रहता है हैप्पी दिवाली पर हमारा। सो सबसे पहले आज हम करेंगे अपने पूर्वजों के टाइम पे जो हमारे देवस्थान है बाबा जी के, उनके दरबार जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे। सो चलते हैं भाई घर से। सो दिखाते हैं आपको आगे की रूटीन कैसी रहती है, और आप बने रहें भाई लास्ट तक ब्लॉग के साथ। सो आपको पूरा विलेज लाइफ रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, बने रहें दोस्तों मेरे साथ। तो आज है हैप्पी दिवाली। सबसे पहले मिलते हैं अपने दोस्त ओलू से, क्या कर रहा है वो, कैसा दिन बीत रहा है उसका। सब मिलते हैं भाई, आप लोगों को मिलवाते हैं ओलू दोस्त से। ओलू ओले ओले, क्या कर रहा है तू? हेलो हेलो, कैसा है? सो दोस्तों ओलू का ये है तोहफा भाई, हैप्पी दिवाली। टिचू टिचू करूँ, टिचू करूँ, थ्यू पति करूं। सो इसको इसका दिवाली गिफ्ट मिल चुका है, इसी के साथ बहुत खुश है भाई। सो ये बचपन की यादें है भाई, जो हमारा दोस्त ओलू भी खेल रहा है आज इनके साथ। सो इसकी सिस्टर के पास क्या है, सो देखते हैं अब। ओलू की सिस्टर को मिला ये बैलून भाई, ये इसी के साथ खुश है। ये दोनों भाई बहन है भाई। ओलू हेलो हेलो, गंदा नोटी, नहीं नहीं कीती, नहीं नहीं कीती, नहीं नहीं कीती, है नहीं कीती, गंदा। सो दोस्तों सबसे पहले भाई ये हमारे गांव में शेरा वाली माता जी का मंदिर है, सबसे पहले इधर माथा टेकेंगे और हैप्पी दिवाली की बधाइयां माता को भी देंगे और खुद भी आशीर्वाद लेंगे भाई। सो चलते हैं भाई। सो दोस्तों ये जो हमारे गांव में मंदिर है भाई मेरे पीछे, यहाँ पे शेरा वाली माता जी की मूर्ति है और शिव जी की मूर्ति है और उसके साथ हनुमान जी की मूर्ति है। सो तीनों को प्रणाम कर लिया अपनी तरफ से, हैप्पी दिवाली। सो आगे की ओर बढ़ते हैं भाई अब हम। सो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को बता दूँ कि इस वक्त मैं जा रहा हूँ भाई अपने परिजनों की देवस्थान जो है, जिस नाम को हम दियोली नाम से जानते हैं भाई, वहाँ पे बाबा जी के देवस्थान है हमारे। वहाँ पे हम अक्सर 6 मंथ 6 महीनों के बाद बाबा जी के दरबार में मेला होता है, तो उधर हम जाते हैं भाई। सब परिवार एक साथ इकट्ठा होके बाबा जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाता है। सो आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं भी जा रहा हूँ भाई। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज दिवाली का शुभ अवसर है, और दूसरी खास बात ये है कि भाई जब मेरे पापा छुट्टी आया करते थे तो हम दोनों माथा टेकने के लिए बाबा जी के दरबार में जाते थे, और इतनी अच्छी फीलिंग आती थी ना, मैं क्या ही बताऊँ लोग दोस्तों, मेरे पास वो शब्द नहीं है मैं उस बात को आपके साथ बयां कर सकूँ। वह इतना दिल को सुकून मिलता था ना, सच कुछ वर्ड्स नहीं मेरे पास। सो दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ। सो चलते हैं बाबा जी के दरबार में, आपको भी दिखाते हैं भाई। Thank you.
सो फाइनली दोस्तों हम पहले देवस्थान पे पहुंच चुके हैं जय राजा जी की जगह पे। सो यहाँ का परिचय मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि ये पीरों की जगह मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कहा जाता है कि जब बाबा जी अपने किसी देवस्थान में जाया करते थे तो इधर बैठ के वो रेस्ट किया करते थे, तो इसी के नाम से ये जाना जाता है। सो दोस्तों जितना मेरे को मालूम है तो उतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो मेरे को माफ़ करना, अन्य अगर मैं अपने कोई गांव के स्थानीय परिजन को ले आता साथ में तो वो अच्छा रहता, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है भाई इस देवस्थान की तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आगे चलते हैं अंदर, अपने बाबा जी को करते हैं प्रणाम। ये है दोस्तों हमारे बाबा जी का प्रिय देवस्थान। सो करते हैं प्रणाम बाबा जी को, अशुभ अवसर दिवाली के दिन। सो दोस्तों आप लोगों को एक और अच्छी बात बता दूं, जब हमारे गांव में किसी की शादी होती है ना तो यहाँ पे बाबा जी के प्रिय देवस्थान पे आते हैं, तो शादी वाले लड़की और लड़का इधर फेरे लेते हैं, तो ये धागा उसी की निशानी है मेरे दोस्तों। सो दोस्तों जो हमारे पूर्वज थे, जो मेरे दादाजी थे, वो इसी लोकेशन में रहते थे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। इस जगह को देवली नाम से जाना जाता है भाई। सो मैं आपको एज इट ए प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये कच्चे मकान घर हुआ करते थे तब बाबा जी के टाइम पे। सो अब तो फैसिलिटी बहुत हो चुकी है, बट पिछले पुराने टाइम में भाई ऐसी सुविधा हुआ करती थी। पानी की कमी थी आई थिंक, इतना तो मुझे मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम थी, जो इसी जगह को छोड़कर नीचे की तरफ शिफ्ट हुए थे हमारे इधर के लोग। सो ये है भाई प्यारी सी लोकेशन देवली। अब तो फिलहाल हमारे गांव के लोग इधर घास या लकड़ियां लेने ही आते हैं सिर्फ। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने मकाम जय बाबा सिद्ध नद्दो बाबा जी के दरबार में। सो अब करते हैं बाबा जी के चरणों को प्रणाम। सो फिर मिलता हूँ आपसे भाई। सो दोस्तों हमारे बाबा जी के दर्शन कर लो आप। सो जो हमारा परिवार है रिंक्ड बरादरी का,
जो घर पे बैठ के मेरी वीडियो देख रहा है, सो आप भी बाबा जी के चरणों को प्रणाम कर लो। आज दिवाली का शुभ अवसर है, बाबा जी आपको भी खुशी देंगे। जय बाबा जी। सो दोस्तों, अपने बाबा जी के चरणों में कर लिया प्रणाम, सो अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। सो अब चलते हैं, एक नीचे मंदिर है उधर माथा टेकेंगे, फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। सो दोस्तों, अब मैं आया हूँ भाई अपने गांव में, एक और मंदिर है। इस मंदिर को जय बुआ दाती के नाम से जाना जाता है। सो इधर करते हैं, माथा टेकते हैं, फिर चलते हैं भाई। सो प्यारी मेरी YouTube फैमिली, फाइनली मैंने सभी प्रिय देवस्थान पे माथा टेक लिया है। दिवाली के शुभ अवसर पर अपने ज़िंदगी का एक त्यौहार आज बाबा जी के स्थान पर बिताया है मैंने कुछ पल। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो यही है भाई विलेज लाइफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं जो। सो हमारे सभी पूर्वज अक्सर हमेशा हमारे गांव के लोग जब कोई शुभ अवसर आता है तो इन्हीं देवस्थानों पे माथा टेकने के लिए आते हैं, जैसे आज मैं आया हूँ दोस्तों। सो दोस्तों, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये जो निशान पड़ा है ये किस चीज़ का है? सो मैं आप लोगों को बता दूँ, जब हमारे बॉर्डर एरिया पे फायरिंग होती है ना, सो दोस्तों एक बार ये गोली इधर लगी थी, यहाँ पे आके अटक गई थी, ठीक है। सो किसी स्थानीय लोगों ने देखा था, फिर इनको पता चला था, इस गोली को निकाला था बाहर भाई। सो ये वही निशान है भाई, आप लोग देख सकते हो। हमारे इधर बॉर्डर एरिया पर फायरिंग भी होती है मेरे दोस्त, दिखाऊंगा कभी जब होगी इधर फिर से कभी। सो फाइनली दोस्तों, मैंने अपने प्रिय देवस्थान में माथा टेक लिया है शुभ अवसर दिवाली के दिन। सो आप लोगों को भी दर्शन करवाए हैं भाई। सो इसी के साथ करता हूँ अपनी वीडियो को एंड। आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस साथ और अपने इंटरेस्टिंग के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।